अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर दो है, सुनो। यदि किसी पिंड में एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसे प्रदर्शित करता है? 10^9 दिया गया है। सुनो प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी पिंड में एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो एक कूलम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? सुनो तो ये आपके पास एन हो गया और ई का मान दिया हो चाहे ना दिया हो हमेशा फिक्स होता है 1.6 × 10^-19। तो क्यूब आपको निकालना था, क्यूब बराबर क्या होता है? एन। क्यूब बराबर आयन तो दिया ही है ना 10^9, आई का मान 1.6 × 10^-19 है -10 कूलम। अच्छा कहते एक कूलम में कितना टाइम लगेगा? अपना टाइम आएगा एक कूलम में लगा समय का मानो एक बटा 1.6 × 10^-10 उतना हो गई। 10 हटाओ ऊपर 10 बढ़ जाए जो भाई लेके जाओ। हाँ ये कहानी होता है नीचे वाला वह ऊपर लेके जाओ 16 हो गया तो 10 में 16 से भाग दे दो। 10 बढ़ाओ 0 16 छः के 6। हाँ 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 बात 8 × 40 0.625 × 10^10 प्रति गुलाम हमारा आंसर आ गया। सीखे बना सकते हो बहुत कुछ। हाँ एक गुलाम में लगा समय के आगे नहीं पूछा। एक गुलाम में कहता ना एक गुलाम में इतना हो जाए एक बटा में कर दूंगा। हाँ एकदम एक बटा हो जाए ठीक। अब समझ में आया? और पूछो तुम लोग पूछना कुछ।